उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूएई के दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने इन्वेस्ट इन उत्तराखंड अभियान के तहत मुंबई में आयोजित रोड शो में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और एनआई उद्योगपतियों से मुलाकात की और उनको संबोधित किया। इस दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब तक करोड़ों के एमओयू साइन कर चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड में निवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाकर निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी निवेशकों को दिसंबर माह में देहरादून में आयोजित होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुबई में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार राज्य को विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर करने के लिए क्रियाशील है। इस बार की G20 की जो समिट हुई, वो समिट देश के कोने कोने में हुई और छोटे छोटे शहरों में हुई। G20 जैसी समिट देश के कोने कोने में होना, छोटे छोटे शहरों में होना, ये इस बात का प्रतीक है कि पूरा भारत एक समावेशी रूप से, यानी कि समान तरीके से विकास कर रहा है, समान तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। और पूरी दुनिया के लोग भारत के एम्बेसडर बनकर, ब्रांड एम्बेसडर बनकर इस समिट के बाद अपने अपने देशों में गए हैं। उसका उदाहरण मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से है कि मैं जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट में आप सब लोगों से मिलने के लिए, आप सबको न्योता देने के लिए, आप सबको निमंत्रण देने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, उसी प्रकार से मैं इससे पहले इंग्लैंड गया था और इंग्लैंड में भी दो स्थानों पर, लंदन में और बर्मिंघम में, दो जगह पर मैं वहां के लोगों से मिला, बड़ी संख्या में लोग मिले। और इस दौरान ब्रिटेन सरकार के मंत्रियों से भी मिलने का अवसर मुझे मिला। जब मैं उनसे मिला तो वो उन्होंने मुझे सबसे पहले अगर किसी बात की चर्चा करी तो G20 की समिट और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के बारे में चर्चा करी कि उनकी लीडरशिप में आज भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से तरक्की कर रहा है। और कह रहे थे किस, और लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली पहले की तरह का दिल्ली है, पूरा दिल्ली बदला हुआ। आप सब भी जो वैसे तो दुबई और दिल्ली में कोई दूर